मॉर्निंग क्लास थर्ड स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम कहानी लेखन का अध्ययन करेंगे। कहानी लेखन का अध्ययन करने से पहले हम एक कहानी पढ़ेंगे और फिर हम देखेंगे कहानी को कैसे लिखते हैं और उसके आधार पर आपको गृह कार्य दिया जाएगा। व्याकरण का कहानी लेखन, कहानी लेखन, कहानी सुनना किसे पसंद नहीं है ये बताइए, सभी को पसंद होता है कहानी सुनना। और कहानी सुनना के साथ साथ आप कहानी लिख भी सकते हैं। कहानी लिखना बहुत ही सरल कार्य है, सिर्फ एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब आप कहानी लिखेंगे तो आप जो कहानी में चीजें बताना चाहते हैं वो एक क्रमवार में हो, मतलब कि एक क्रम में हो सभी चीजें, तभी हम एक अच्छी कहानी का निर्माण कर सकते हैं। तो चलिए अभी इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी और उसके आधार पर आपको एक गृह कार्य देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी लिखना, कहानियाँ हम सबको अच्छी लगती हैं, तुम भी कहानी लिख सकते हो। नीचे दिए गए चित्रों को देखो और कहानी पढ़ो। यहाँ पर आपको चित्र भी दिए गए हैं और कहानी भी दी गई है, तो चलिए ये तो आप देख ही रहे होंगे, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। एक तालाब था, तालाब के किनारे एक खरगोश परिवार रहता था। खरगोश परिवार अर्थात खरगोश का और परिवार, खरगोश अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन छोटे खरगोश के माता पिता दूर गाजरों के खेत में चले गए, क्योंकि खरगोश गाजर खाता है। छोटा खरगोश घर पर ही रहा। बिल से बाहर आकर उसने तालाब में बत्तखों को तैरते हुए देखा। नन्हे खरगोश ने सोचा, मैं भी तैरूंगा, तैरने में बड़ा मजा आएगा, और वह तालाब में कूद पड़ा। परंतु क्या खरगोश कभी तैर पाते हैं? तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। उसे तैरना नहीं आता था और वह क्या हुआ, डूबने लग गया। बत्तखों ने उसे डूबते हुए देखा, वे तेजी से तैरती हुई आई। उन्होंने छोटे खरगोश को पानी से बाहर निकाला। बड़ी बत्तख ने पूछा, क्या तुम्हें तैरना आता है? नहीं, छोटे खरगोश ने कहा। बत्तख ने समझाया, जो काम तुम्हें नहीं आता उसे नहीं करना चाहिए। तो अब आपने देखा कि किस तरह से जो काम हमें नहीं आता उस काम में हमें हाथ नहीं डालना चाहिए। जब तक हमें किसी भी कार्य के बारे में पूर्ण जानकारी ना हो हमें वो काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। तो चलिए आज आपका गृह कार्य देते हैं। अपने परिवार एवं मित्रों से विचार करके उन वस्तुओं की सूची बनाएं जो देखने में तो बहुत सुंदर है परंतु उपयोगी नहीं है। उसी तरह उन वस्तुओं की सूची बनानी है आपको जो उपयोगी हैं किंतु देखने में सुंदर नहीं है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और आपको ये गृह कार्य कर लेना है। धन्यवाद।